हेलो स्टूडेंट्स क्लास टेंथ चैप्टर नंबर फोर कार्बन एडिट्स कंपाउंड्स बेटा इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी जो ये कम्पाउंडस बनाता है वैसे भी ओके लास्ट चैप्टर में आपने बहुत सारे कंपाउंडस के बारे में पढ़ा कैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे और भी इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एंड एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कम्बाइंड फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है कि प्योर कार्बन की फॉर्म में हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है कार्बन और कम्बाइंड फॉर्म में यानी कि जो वो कंपाउंड्स बनाता है जैसे मीथेन है इस फॉर्म में भी वो हमारे लिए किस तरह से सिग्निफिकेंट है ये हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे पहले आपको बेटा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है थिंग्स मेड ऑफ मेटल थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले एंड अदर्स यहाँ पर आपने आ, लिस्ट बनानी है टेन थिंग्स की देन कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स आपस में कंपेयर कीजिए इफ देर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटीरियल पुट दम इन टू बोध द रेलिवेंट कॉलम्स ओके नाउ आफ्टर डूइंग दिस लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अब टेबल यानि की अदर्स वाले कॉलम में जो आइटम्स आप फिल करोगे जब आप उन्हें देखोगे योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ दर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन मैक्सिमम द थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ कम्पाउंड ऑफ कार्बन Can you think of a method to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? अगर हम किसी compound को जिसमें carbon है उसको burn करते हैं बच्चे do you know of any test to confirm this? तो हमारे पास क्या product आता है तो आप एक simple सी चीज है आप wood को जिसमें carbon है उसको आप burn करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है इसका मतलब क्या हुआ जो कार्बन प्रेजेंट थी वुड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है ये तो आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं बिना ऑक्सीजन के बर्निंग कभी नहीं होती तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन बर्न्स एंड इट प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड फूड क्लोथ मेडिसिन बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्साटाइल एलिमेंट वर्साटाइल मीन्स हरफन मौला ठीक है जिसके बहुत सारे गुण हो ऑल राउंड डेवलपमेंट हम जिसकी बोलते हैं ना ऐसा एलिमेंट हमारे पास है कौन सा कार्बन इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड आपको मालूम है कार्बन जो हमारे पास एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उसको कौन बेटा सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स यूज करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लिए फूड बनाते हैं यही कारण है कि जो मैंने नाम लिए फूड क्लोथ्स, मेडिसिन इन सब में हमारे पास वर्साटाइल एलिमेंट कार्बन प्रेजेंट होता है ओके द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मियग्री ठीक है अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की तो बेटा अर्थ क्रस्ट पर हमारे पास सिर्फ 0.02 कार्बन प्रेजेंट है ये आप नोट कर लोगे देन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कोल एंड पेट्रोलियम एंड द एटमोस्फियर में अगर हम बात करें तो हमारे पास है 0.03 परसेंट तो ये वेरिएशन आपको देखने में मिल रही है यहां पर ये यह आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि जो कार्बन है वो कितना परसेंट प्रेजेंट है क्रस्ट में तो योर आंसर इज जीरो परसेंट और जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमोसफियर में प्रेजेंट है कार्बन दैट इज जीरो जीरो थ्री परसेंट ओके इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस क्यों कार्बन को हम पढ़ रहे हैं इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है हमारे लिए वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे नौ फोर वन में आप देखोगे बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे पास कार्बन आया है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आया है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंडस इस चैप्टर में हम कार्बन की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और एक नया नाम आपके सामने आया है द कोवलेंट बॉन्ड यानी कि आपको एग्जाम में अगर आता है कार्बन के बारे में तो कार्बन में हमेशा ऑलवेज जो बॉन्डिंग पाई जाती है दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग अब ये बॉन्डिंग क्या है कोवलेंट यहां पर भी मैंने आपको टॉप में भी यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स की बॉन्डिंग आती है आयनिक एंड कोवेलेंट ठीक है आयनिक बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं टू एटम्स के बीच में एक एटम रिलीज करेगा दूसरा गेन करेगा उसको आयनस की फॉर्मेशन होगी फॉर एग्जाम्पल एन के कंपाउंड में तो इसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं दोनों एटम्स इक्वली तो वहां पे हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की अब यहां मैंने नाम लिया कार्बन का तो कार्बन में हमेशा पाई जाती है कोवलेंट बॉन्डिंग इसको आप अपने दिमाग में रख लोगे नाउ वी सॉ दैट आइनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट इसको अंडरलाइन कर लीजिए ये पूछा जाता है आपको बोर्ड में कि क्यों हम आयनिक कंपाउंड्स को कहते हैं कि उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में तो बेटा मैं आपको समझा दू कि जब भी हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की तो ये स्ट्रांग बॉन्डिंग है ठीक है क्यों अभी मैंने जैसे आपको बताया आयनिक कंपाउंड्स में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दूंगी मैं एन का जिसमें सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोराइड जो क्लोरीन है उसको गेन कर लेता है तो हमारे पास एन ए पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव करके दो अनायन और कटाइन मिल जाते हैं हमको स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है उनके बीच में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उनको हीट करना पड़ता है तो उनका जो मेल्टिंग प्वाइंट है दैट इज वेरी हाई हाई मेल्टिंग प्वाइंट होता है आयनिक कंपाउंडस का बॉइलिंग प्वाइंट भी हाई होगा उनका और क्योंकि वो आइन्स की फॉर्म में है तो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यही कारण है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके तो ये तो हम हमने पढ़ा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में अब हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है इस तरह से बेटा जो आयनिक बॉन्डिंग है वहां पर हमने देखा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल हाई मेल्टिंग पॉइंट देन

पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कार्बन कम्पाउंड वाई बिकॉज दे हैव कोवलेंट बॉन्डिंग इट मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स तो वहां पर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर एग्जाम्पल एक सिंपलेस्ट हम कार्बन कंपाउंड लेंगे मिथेन अब यहां पर देखिए आप कार्बन एटम है फोर हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है तो यहां पर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है वन ओके देन कार्बन के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्यों क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें कार्बन की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा सिक्स तो इसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई टू एंड फोर यानी आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फोर इसीलिए हम कार्बन को क्या बोलते हैं टेट्रावेलेंट ओके क्योंकि ये अपने फोर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में उससे बॉन्डिंग बनाता है अब यहां पर हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली वन है ना इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल होने के लिए यानी इसका शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए टू बनाने के लिए वन मोर चाहिए इधर कार्बन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने चाहिए बेटा फोर क्यों क्योंकि सेकेंड जो हमारे पास शेल है वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट होते हैं है ना तो हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी होती है ये जब भी वो बॉन्डिंग करता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए उसका जो शेल है बाहर वाला वो कंप्लीट हो जाए तो कार्बन को बेटा यहां पर सिक्स एटोमिक होने नंबर होने के कारण वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके फोर है तो फोर इसको चाहिए कार्बन नीड्स फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स न इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल H2 होने के लिए उसको वन चाहिए तो क्या करेंगे ये ये आपस में शेयरिंग करेंगे जिसकी बात कर रही हूं मैं बार बार बोल रही हूं यहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग की ये आपस में शेयर करेंगे कैसे हाइड्रोजन का जो वन इलेक्ट्रॉन है और जो कार्बन का इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो होगी वो शेयरिंग से होगी हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है टू आ गए इसके पास सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से एक ले लेगा शेयर कर लेगा देन दिस ऑल्सो शेयर विद कार्बन और इस तरह से जो फोर हमने हाइड्रोजन एटम्स लिखे ये कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे सिमिलरली इन द राइट वे जो कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी हाइड्रोजन के फोर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो दिस म्यूचुअल शेयरिंग इज नोन एज कोवलेंट बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स तो यहां पर आप देखोगे दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं कार्बन के अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे फोर वन टू थ्री फोर है ना फोर है ना इसके वेलेंसी और इसने कितने शेयर किए हाइड्रोजन के फोर वन टू थ्री फोर तो अल्टीमेटली कार्बन के पास कितने आ गए फोर आ गए इसके पास तो इसका जो है ये भी सेटिस्फाई हो गया ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका उसी तरह से ईच हाइड्रोजन एटम गेट्स टू इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग तो इसका भी जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो गया ये भी सेटिस्फाई हो गया हाइड्रोजन क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का तो इस बॉन्डिंग को हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग तो इस तरह की बॉन्डिंग को अगर हम थोड़े से टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये वीक बॉन्डिंग होती है कमजोर होती है क्योंकि ये शेयरिंग से बनी है ठीक है इसलिए इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के वो लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग और ये फ्री uh, नहीं है आयंस की फॉर्म में नहीं है फ्लोट नहीं कर सकते तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कोवेलेंट बॉन्डिंग की जब बात आती है तो कार्बन कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयन्स दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओके नो फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल फोर पॉइंट वन वी हैव डन

कोई आइन्स की फॉर्मेशन नहीं होती म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इसीलिए ये वाले जो बॉन्ड है शेयरिंग uh, वाले बॉन्ड उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है लो होता है बिकॉज वीक बॉन्डिंग होती है और आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है इसलिए आयनिक बॉन्डिंग में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके हाई होते हैं ओके नाउ वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग सिंस दीज कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही कारण है क्योंकि यहां पर जो बात कर रहे हैं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग इन कोवलेंट बॉन्डिंग तो जब स्ट्रांग नहीं है सिंस दीज कंपाउंडस आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब भी ये नॉन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के क्यों बेटा क्योंकि यहां पर फ्री आइन्स नहीं है ठीक है वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कम ड नॉट गिव राइज टू एनी आइन्स आगे न वही बात जब भी हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि फ्री आइन्स किसके पास है तो वो तो आइनिक कंपाउंड के पास है फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के पास है एनए पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लेकिन बेचारा जो कार्बन कम्पाउंडस है ये सारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बने हैं तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी भाई दूर से भाग जा हम तुझे कंडक्ट करने वाले नहीं है वी आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वी हैव नो फ्री आइन्स ओके नेक्स्ट इज इन क्लास नाइन्थ वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स देखो बेटा जो आपकी एनसीआरटी है ना मैं इसलिए एनसीआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है आपको तभी आपको एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चन समझ में आएंगे अदरवाइज आप डायरेक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका कुछ छूट रहा है तो ध्यान देंगे हर लाइन में तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है तो यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट शेल में एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ओके कोई भी एलिमेंट उठा लो उसके एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और जितनी भी कॉम्बिनेशन होती हैं कंपाउंड फॉर्मेशन होती हैं बॉन्डिंग्स होती हैं वो किसके बीच में होती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है लेट लेटेस्ट नो लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन जैसे मैंने आपको बताया कार्बन का टॉमिक नंबर सिक्स है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई टू फर्स्ट शेल में कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट में जहां एट आते हैं उधर कितने आए फोर तो द दटोमिक नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स वट वुड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन दैट इज फर्स्ट शेल में आएंगे टू मैक्सिमम टू ही आ सकते हैं हमें नाइन्थ क्लास में पता है बोहर मॉडल ने डिफरेंट शेल्स दिए थे एनर्जी लेवल्स तो फर्स्ट जो हमारा शेल है एटम का उसमें टू ही आ सकते हैं नेक्स्ट में एट आ सकते हैं लेकिन कार्बन का अटोमिक नंबर सिक्स है हमारे पास तो फोर ही है तो हम वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहेंगे फोर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में फोर ही प्रेजेंट हैं कार्बन के हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हैव वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल अभी अभी मैंने आपको बताया कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए यानी कि मैं अटेन कर लू कम्पलीटली फिल्ड आउटर शेल और स्टेबल होकर चुपचाप बैठ जाऊं वो तब तक रिएक्टिव है जब तक वो अनस्टेबल है एक बार वो स्टेबल हो गया तो आराम से वो बैठ जाता है अब इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना तो यहाँ पर एट करने के लिए फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कार्बन को या तो वो अपने फोर लूज कर दे या फोर गेन कर ले। लेकिन फोर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना भी मुश्किल है उसके लिए और फोर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी मुश्किल है तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है और वो सॉल्व कैसे होगी कोवलेंट बॉन्डिंग से ना तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा ना ही वो फोर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो इन फोर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से जिसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट ये भी एक कारण है कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड्स होने का ठीक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा यानी कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा चाहे वो बिटवीन टू कार्बन एटम्स हो चाहे कार्बन और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच हो नाउ वी विल स्टडी दिस हाउ दिस इज पॉसिबल देखिए आपकी बुक क्या कहती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी नोबल गैस कन्फिग्रेशन बेटा फिर से कंफ्यूज नहीं होना नोबल गैस कन्फिग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें लास्ट का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है हर एटम का एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल मान लो आयनिक कंपाउंडस है वो क्या करते हैं एक लूज करके, करके एक गेन करके अपना आउटर मोस्ट शेल चुपचाप कंप्लीट कर लेते हैं इन द केस ऑफ कार्बन ऐसा नहीं है इसके पास तो भाई फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड्स टू गेन और लूज फोर इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए या तो ये फोर इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे भाई या गेन कर ले इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स तो दो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी वो क्या है देखिए इट कुड गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सी फोर नेगेटिव अनायन जब हम बेटा लेते हैं ना किसी से तो उसको हम बोलते हैं अनायन यानी फोर नेगेटिव चार्ज आ गया जब हम लेते हैं ठीक है तो लेने को क्या बोलेंगे हम गेन वो कहता है कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है अगर कार्बन लेता ना फोर इलेक्ट्रॉन तो ये अनायन बनना था C4 फोर नेगेटिव का बट इट वुड बी ये बहुत मुश्किल है फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटोन टू होल्ड यानी ये न्यूक्लियस है कार्बन का है ना इसके अंदर कार्बन का अटोमिक नंबर सिक्स है ना तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे न्यूक्लियस में सिक्स क्योंकि अटोमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहां पे तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं यानी अटोमिक नंबर जो है कार्बन का वो सिक्स है ऑलरेडी प्रेजेंट है अगर हमने फोर और गेन कर लिए यानी फोर और गेन कर लिए तो भाई क्या होगा अब जो है आपके पास न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू टेन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जो पहले से न्यूक्लियस बेचारा सिक्स प्रोटॉन्स को संभाल रहा था अब उसको टेन प्रोटॉन्स को संभालना पड़ेगा टेन प्रोटॉन्स या टेन इलेक्ट्रॉन्स को संभालना पड़ेगा न्यूक्लियस को ठीक है क्योंकि फोर इलेक्ट्रॉन्स ले रहे ना ये तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जहां पर फोर थे उधर अगर हम फोर और ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे एट और टू फर्स्ट शेल में है कार्बन के यहां मैं बनाती हूं देखो ये कार्बन का फर्स्ट शेल है ये सेकेंड है टू ऑलरेडी प्रेजेंट है और बाहर वाले में फोर प्रेजेंट है अगर हम यहां पर फोर और प्लस कर देते हैं चार और दे देते हैं तो टोटल इधर एट हो गए और यहां टू है एट और टू टेन यानी टेन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियस के लिए एक्स्ट्रा बहुत बड़ा बर्डन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है पहले तो गेन करने की पॉसिबिलिटी थी ना अब कार्बन क्या करेगा अगर ये चाहता तो अपने फोर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके C4 फोर प्लस कटायन बन जाता ठीक है जब कोई देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव करण का निशान आ जाता है पॉजिटिव निशान और उसको हम बोलते हैं कटायन बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव अरे एक को निकालना मुश्किल हो जाता है तो फोर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और पीछे जो कार्बन के बेचारे के अगर ये हम फोर इलेक्ट्रॉन इसके निकाल देते हैं तो कार्बन के पास कितने रह जाएंगे ओनली टू ही रह जाएंगे न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को से बहुत कम काम करना पड़ेगा टू ही इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए फोर को रिलीज करने के लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं था तो क्या किया कार्बन ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन ने क्या किया आइए देखते हैं कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स कार्बन ने क्या किया ये बोला भाई ये तो बहुत मुसीबत है लेना और देना तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को शेयरिंग से सॉल्व करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं दूसरे एटम से कार्बन के या फिर दूसरे एलिमेंट्स के आइटम से जो भी कम्बाइन करना चाहता है नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर भाई ये सिर्फ हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये मत समझना कि कार्बन में ही कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है जहां वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बाहर आते हैं द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग अ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन लेट लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्मड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आइए देखते हैं हम द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर कार्बन के कम्पाउंड पढ़ने से पहले हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ लें सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे हमें पता है इसका टॉमिक नंबर वन होता है ठीक है तो भाई इसको मोस्ट की प्राप्ति के लिए यानी नोबल गैस कंफिग्रेशन के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वन मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके के शेल में है ना तो ये क्या करेगा दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर अपने जो इलेक्ट्रॉनस है शेयर कर लेंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा हाइड्रोजन एटम से तो बेटा इसको हम लिखते हैं एच टू की फॉर्म में यही कारण है कि ये डाई एटोमिक मॉलिक्यूल नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट करता है स्टेबल फॉर्म में क्योंकि अगर एटम की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा सिर्फ एच एटम की फॉर्म में तो ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि इसका नोबल गैस कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड नहीं अटेन नहीं कर पाएगा इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा रिएक्टिव होगा अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है ये हाइड्रोजन एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के एक एटम के साथ अपनी शेयरिंग कर लेता है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग क्योंकि दोनों एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और एक मॉलिक्यूल बनाया है H2 जिसको हम बोलते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल ओके तो इस तरह से हमने क्या किया शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट लिया सबसे पहले समझने के लिए आप यही ना समझो कि कार्बन में ऐसा होता है हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होता है दोनों शेयर करते हैं एटम्स हाइड्रोजन के इनके पास फिर H2 आ जाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और इस शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट सिंगल बॉन्ड कोवलेंट सिंगल बॉन्ड तो इस तरह से आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम में बनाने के लिए तो आप इस तरह से शेयरिंग उसकी बनाओगे बेटा हाइड्रोजन का ये आपको बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है कोवलेंट बॉन्डिंग का देखिए किस तरह से हाइड्रोजन के पास एक एटम के पास अपना एक इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वन एटॉमिक नंबर वो प्रेजेंट है इस तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम है दोनों ने क्या किया आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की दोनों ने ही अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेकर आ गए हैं बाय कोवोलेंट बॉन्डिंग तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो बॉन्ड बना रहे हैं बीच में इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कोवलेंट सिंगल बॉन्ड है और इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज कोवलेंट इन नेचर दिस थिंग इज टू बी कैप्ट इन माइंड ओके नेक्स्ट इज इसी तरह से हम आ, हीलियम की लेंगे बेटा हीलियम का टॉमिक नंबर आपको मालूम है कितना होता है हीलियम का टॉमिक नंबर टू ये ऑलरेडी आप देख रहे हो यहां पर कि इसका जो के शेल है फर्स्ट वाला शेल है वो कंप्लीट है वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाउ आपने देख लिया कि हाइड्रोजन जो यहां पर हमने मॉलिक्यूल की बात की इसका जो नंबर है अब मॉलिक्यूल का टॉमिक नंबर टू वो हीलियम के बराबर है जो ऑलरेडी हीलियम किसमें आता है आपका फुली फिल्ड एलिमेंट्स में आता है स्टेबल फॉर्म में रहता है हीलियम ओके okay? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स जो मैंने आपको बता दिया अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इस तरह से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को आपको सामने दिख रहा है देन द अटोमिक नंबर ऑफ क्लोरिन इज सेवेंटीन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरिन की तो क्लोरिन का अटोमिक नंबर है सेवेंटीन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगी आपसे पूछी गई है तो बहुत सिंपल है यहां पर कर लेते हैं हम क्लोरीन का टॉमिक नंबर सेवनटीन है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आएगी टू फर्स्ट के शेल में देन एल सेकेंड शेल में एट टोटल हो गए टेन इसके बाद सेवन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो थर्ड शेल में आएंगे तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेवन और ये अनस्टेबल फॉर्म में है भाई इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या करेगा क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन की तरह और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कैसे कहा ड्रॉ करें हम इधर ड्रॉ करते हैं दिस इज क्लोरीन दिस इज क्लोरीन सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में उनको हम लिख लेते हैं एक क्लोरीन का एटम हम यहां रखेंगे एक इधर रखेंगे ओके तो देखिए बाकी के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये क्लोरीन के एक एटम के सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर लिए दूसरे क्लोरीन के भी इस तरह से कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन सेवन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले मैंने ड्रॉ कर लिए आइए म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ये वाला जो क्लोरीन है वो इस तरह से आएगा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा दूसरे क्लोरीन एटम के और ये वाला जो एटम है वो पहले वाले क्लोरीन एटम से शेयर करेगा तो इस तरह से दोनों के पास एट एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे सीएल क्लोरीन के बीच में भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा इस तरह से इसका डॉट स्ट्रक्चर आएगा क्लियर नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स अब यहां देखिए ऑक्सीजन की जो आ, यहां पर आपको सबसे पहले एटोमिक नंबर सबका याद होना चाहिए भाई एक बात मैं आपको बता दू सभी बच्चों को कि आपको अटोमिक जो नंबर्स है वो फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स के याद होने चाहिए अप टू कैल्शियम जरूरी है ये ठीक है तो ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो इसका अटोमिक नंबर होता है एट ओके तो एट इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमने एट अटोमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखना है तो इस तरह से ऑक्सीजन की बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट में टू सेकेंड में सिक्स ठीक है अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए हाँ भाई मुझे आवाज आ रही है आप बच्चे लोग कह रहे हो टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मैम बिल्कुल सही टू एट होने के लिए टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए तो हम देखो किस तरह से हमने सिक्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो लिख लिए ऑक्सीजन के ठीक है अब हम इनके बीच में बॉन्डिंग करेंगे तो देखिए किस तरह से बॉन्डिंग की है इस ऑक्सीजन एटम के जो टू इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर कर लिए फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ने उसी तरह से सेकेंड ऑक्सीजन एटम ने भी फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम के टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई इनके बीच में लेकिन ये टू टू इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं एक एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे के साथ तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल में आपकी बॉन्डिंग होती है दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग ड्रॉ करके देखेंगे ठीक है ये एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट कैन यू नाउ डिपिक्ट मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल हम बना सकते हैं वॉटर का भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं आइए बनाते हैं डज द मोलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स एच टू ओ का फॉर्मूला लिख लो बेटा एच टू ओ यानी ऑक्सीजन सेंटर में एच जो है वो आपका साइड्स में आ जाएगा ठीक है जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन टू सिक्स लिखी है ना हमने तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इस तरह से हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन के पास आपको पता है वन होता है वन होता है हाइड्रोजन अपना वन चाहिए इसको हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए तो ये वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन से इस तरह से दूसरे वाला हाइड्रोजन भी वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन का तो ये बॉन्डिंग आ गई हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड आएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स आए हमारे पास वाटर के, के में ओके तो नेक्स्ट इज वट वुड हैपन इन द केस ऑफ डाय अटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन तो ये आपको बुक में करके दिया हुआ है नाइट्रोजन का बहुत ही इजी वे में देखिए ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है हमारे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आप देखो नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर आपको यहां पर कहा दिया हुआ है सेवन यस नाइट्रोजन का सेवन अटोमिक नंबर है फटाफट से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो टू और यहां आएगा फाइव होगी ना सेवन टोटल अब यहाँ पर एट चाहिए भाई स्टेबल होने के लिए इसे तो फाइव तो प्रेजेंट है थ्री की जरूरत है इसलिए देखो हमने क्या किया नाइट्रोजन के फाइव इस तरह से अरेंज कर लिए ठीक है क्योंकि थ्री की जरूरत है इसको तीन ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे यहां से यहां से तीन लेने पड़ेंगे तब इसके एट होंगे ये वाला एटम भी इसके थ्री लेगा तब नाइट्रोजन के कंप्लीट होंगे एटम के एट इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से ये शेयर करके क्योंकि ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं इसलिए ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन के जो डाईटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है दैट इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग वेरी सिंपल अपने हाथों से ड्रॉ करोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा और फिर चाहे जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आ जाए यू कैन ड्रॉ इजीली तो ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल में याद रखोगे चलिए आगे चलते हैं अ मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज फॉर्मूला एन थ्री तो यहाँ पे अमोनिया का बनाना है भाई बना लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए हमने नाइट्रोजन लिया ये हाइड्रोजन लिया यहाँ यह हाइड्रोजन लिया यहाँ हाइड्रोजन लिया नाइट्रोजन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू फाइव ठीक है तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे इसके फाइव इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिख लेंगे वन टू देन थ्री फोर फाइव इस तरह से हमने नाइट्रोजन के लिख, लिख लिए वैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के पास वन ही है भाई बहुत गरीब है बेचारा अब क्या करेंगे हाइड्रोजन क्या करेगा ये हाइड्रोजन इस नाइट्रो ये जो नाइट्रोजन है पहले नाइट्रोजन को स्टेबल कर लेते हैं है ना हाइड्रोजन को स्टेबल करे इसने वन ही लेना है भाई इस तरह से ये स्टेबल हो गया वन आ गया इसके पास है ना ये हाइड्रोजन आपका अमोनिया में स्टेबल हो गया अब ये फाइव है इनको थ्री चाहिए हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन कैसे स्टेबल होगा नाइट्रोजन ये पूरा लेगा ओके नाइट्रोजन ये पूरा लेगा फाइव अपने है इसके पास सिक्स सेवन एट थ्री इसने हाइड्रोजन एटम से लिए तो ये आपका जो अमोनिया है उसमें इस तरह से बॉन्डिंग होगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है ठीक है तो आपका जो uh, कोवलेंट बॉन्डिंग है अमोनिया की वो इस तरह से है ठीक है नेक्स्ट देखिए अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन ठीक है मीथेन की हम बात कर रहे हैं यहां पर विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन ठीक है सी एच फोर मिथेन इज वाइडली ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज मिथेन मिथेन इज द सिंपलेस्ट कार्बन कम्पाउंड मिथेन इज द सिम्पलेस्ट कार्बन कम्पाउंड जिसका फॉर्मूला सी एच फोर होता है मिथेन कहा यूज होता है बेटा एज अ फ्यूल बायोगैस जो प्लांट है वहां पर एज अ फ्यूल जो मेन गैस है दैट इज मिथेन गैस एंड इज अ मेजर कम्पोनेंट ऑफ सी एन जी ऑल्सो तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज मिथेन एंड वेयर इट इज यूज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कम्पाउंड फॉर्म बाय कार्बन तो कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड भी है मिथेन हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वेलेंसी ऑफ वन कार्बन इज्रा वेलेंट बिकॉज इट हैज फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अदर इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद फोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दे दी एनसीआरटी ने इसको अंडरलाइन कर लो ये ऐसे बॉन्ड्स जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है इलेक्ट्रॉन uh, पेयर के बिटवीन टू एटम्स दैट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन इन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल बट इंटर मोलिकुलर फोर्सेज आर वीक ठीक है दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट अब यहां क्वेश्चन आ जाता है ना वाई वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट बिकॉज दे आर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होते क्या है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच के ठीक है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक है तो उसके कारण इजीली वो ब्रेक हो जाते हैं इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ठीक है अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं दे आर शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्मड हियर तो यहां हम बात करेंगे ये देखिए फोर फाइव में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मिथेन का हमने देखा था कार्बन टेट्रावेलेंट है ये जो क्रॉस है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी वन वन है तो ये हाइड्रोजन एटम शेयर uh, करेगा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से यहां से दूसरा हाइड्रोजन एटम तीसरा चौथा तो इस तरह से जो सी एच फोर है उसका आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ये आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड सच कोवलेंट कम्पाउंडस आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहां क्वेश्चन आ गया ना वाई कोवलेंट कम्पाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले भी मैंने समझाया था बिकॉज दे डोंट हैव चार्ज पार्टिकल्स दे डोंट हैार्टिकल्स तो जब आयन सी नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी ठीक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ये आपका जो बॉक्स में दे रखा है वॉट आर एलोट्रोप्स तो एलोट्रॉप मैं आपको बता देती हूँ बेटा ये वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है केमिकली ये लोग सेम कम्पोजिशन कार्बन से बने हैं ना कार्बन से ही बने हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो इनको हम बोल देते हैं एलोट्रॉप तो यहां पर हमारे पास थ्री एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वन इज डायमंड अदर इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फोलरिन ओके नाउ द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमने पढ़ा ग्रेफाइट को अगर हम देखें ना दोनों ही कार्बन एटम से बने हैं लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस है इनकी फिजिकल अपेयरेंस में है ना अगर हम डायमंड की बात करें पेपर में पूछ लिया जाता है भाई डिफरेंस बताओ डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में तो क्या बताओगे डायमंड में हर एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे फोर कार्बन एटम्स के साथ टेट्रावेलेंट जो है वो रिजिड स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है ये तो हो गया डायमंड का दूसरी तरफ आप लिख लो डिफरेंस ग्रेफाइट में जो हरे कार्बन एटम है अब वो फोर कार्बन एटम्स के साथ नहीं थ्री कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है एक फ्री रहता है तो इसकी शेप कैसी आ जाती है हेक्सागनल ठीक है एक कोई बॉन्ड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है इसमें इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है नो ग्रफाइड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागनल अरेज बींग प्लेस्ड इन लेब अदर इसीलिए जो ग्रेफाइट है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि मूवमेंट हो जाती है जो एक फ्री कार्बन एटम है उसके कारण अब यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो डायमंड का यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से जो कार्बन है ग्रेफाइट में हेक्सगनल वे लेयर्स बना रहा है तो स्लाइडिंग की फॉर्म में है ना ये इसीलिए ये सॉफ्ट होता है और ये थ्री डायमेंशनल है रिजिड है हर एक कार्बन एटम फोर कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं है इसीलिए डायमंड जो है उसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ठीक है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है सॉफ्ट होता है क्यों इसका जो एक कार्बन एटम है वो सिर्फ तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है एक में डबल बॉन्ड होता है इसलिए इसकी वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो जाती है लेकिन जो आपका शेप है इसकी चेंज हो जाती है हेक्सागोनल और ये सॉफ्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नेक्स्ट फुलरिन क्या है भाई ये जो डिस्कवरी हुई ना ये बाद में हुई थोड़ी डायम द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वी सिक्सटी सबसे पहला जो फुलरिन आया था उसको हम सी सिक्सटी बोलते हैं क्यों क्योंकि विच हैज कार्बन एटम्स अरेन्ज इन शेप ऑफ अ फुटबॉल एक फुटबॉल की शेप में अरेन्ज थे सारे के सारे कार्बन एटम ठीक है सिंस दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम और इसको डिजाइन करने वाला कौन था आर्किटेक्ट बक बकमिंस्टर फुलर और बक मिंस्टर फुलर के नाम से नाम पड़ा इसका सी सिक्सटी बक मिंस्टर फुलरिन ओके तो इसका नाम फुलरिन इसके बक बकमिंस्टर फुलर के नाम से पड़ा अब यहां पर आपके दो क्वेश्चन है एनसीआरटी के वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला ऑफ सीओ टू तो सीओ टू का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सी ऑक्सीजन टू है यहां पर हमें मालूम है कार्बन की टेट्रावेलेंट है ये ठीक है और ऑक्सीजन इसकी एट है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से लिख लेते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आएगी टू देन एट होने के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा सिक्स तो इसको कितने चाहिए टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये अपने टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा है ना कार्बन से कार्बन के पास टोटली फोर है कार्बन का हम क्रॉस में ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन टेट्रावेलेंट है फोर इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल में क्योंकि कार्बन की कितनी होती है टू फोर एटॉमिक नंबर सिक्स है ना कार्बन का तो देखिए किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन के लास्ट में सिक्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन तो ये दोनों शेयर कर लेगा कार्बन के ठीक है इसके एट हो जाएंगे पूरे इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन भी कार्बन के ये दोनों शेयर कर लेगा तो इसके एट हो जाएंगे पूरे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाई हो गया कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाएगा फोर इसके पास है दो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के ले लेगा इस तरह से तो कार्बन भी सेटिस्फाई हो जाएगा ये सीओ टू का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया नाउ वट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज अप ऑफ ये क्वेश्चन बेटा मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो डाली है जहां पे मैंने आपको ये दोनों एनसीआर सॉल्यूशंस सोल्यूशन जो हैं करके दिखाए हैं डिटेल में सल्फर जो एक पॉलिओटोमिक मॉलिक्यूल है एस एट एटम से बना है सल्फर के तो ये पॉलिग्नल स्ट्रक्चर बनाता है तो ये भी मैं आपको सिखाती हूँ यहां पर लेकिन आप वो वीडियो भी देख, देख सकते हो ठीक है यहां पर ड्रॉ करते हैं हम सल्फर का सल्फर की बेटा एटॉमिक नंबर है एट है ना तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसके एट एटम्स यूज करेंगे सॉरी हम पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल है सल्फर का अटोमिक नंबर है हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन का सेवनटीन होता है सल्फर का सिक्सटीन है हाँ सिक्सटीन अटोमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी टू एट एंड सिक्स यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है तो हम क्या करेंगे एट एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देन एट ठीक है यहाँ पे आप क्या करोगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऐसे लिखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके भी सिक्स लिख लीजिए ऐसे ही फाइव सिक्स देन one two three four five six 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 अब ये six वाला इसके two इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस तरह से ये इसके two इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस तरह से ये इसके two इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये सल्फर एटम आगे टू शेयर करेगा ये आगे शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन इसी तरह से ये शेयर करेगा इसी तरह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा तो हमारे पास एक साइक्लिक रिंग आ जाता है सल्फर का ठीक है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिकॉज टू टू इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं तो सल्फर के जो एटम्स हैं उनके बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है टोटल कितने एटम्स मिलकर बनाएंगे एट एटम्स और कैसा स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा इसका ओके वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन वट डू यू मीन बाय वर्साटाइल वर्साटाइल मीन्स मेनी यूजेस कार्बन इज एबल टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज लाइक मेकिंग सिंगल बॉन्ड मेकिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वेलेंसी होती है बेटा फोर तो इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट होने के कारण कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स बनाता है कार्बन का साइज छोटा है इसलिए जब वो कंपाउंड्स बनाता है तो स्ट्रांग बॉन्डिंग के बनाता है कोवलेंट शेयरिंग में बिकॉज उसका न्यूक्लियस जो है वो जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको स्ट्रांगली होल्ड करता है तो कार्बन की बहुत सारी खूबियां हैं जैसा एक कोई एक इंसान का एग्जाम्पल दूंगी मैं वर्साटाइल का मीनिंग समझाने के लिए क्यों समझना जरूरी है क्योंकि हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है वट डू यू मीन बाय द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन तो पहले तो हम वर्साटाइल वर्ड का मीनिंग समझे अगर एक इंसान बहुत अच्छा है पढ़ने में उसके साथ साथ उस डांसिंग में भी बहुत अच्छा है सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है रीडिंग में बहुत अच्छा है ड्राइविंग में अच्छा है पेंटिंग में अच्छा है इसका मतलब कि बहुत सारी स्किल्स हैं उसके अंदर तो उसको हम कैसा कैसा बोलेंगे कैसी पर्सनालिटी है उसकी वर्साटाइल पर्सनालिटी है इसी तरह से एलिमेंट्स के केस में हम यहाँ पर कार्बन का वर्साटाइल नेचर पढ़ रहे हैं। क्यों है वर्साटाइल नेचर कार्बन का आइए देखते हैं। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवल बॉन्ड्स देखा हमने किस तरह से शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की वेरियस एलिमेंट्स में देखा कम्पाउंड में देखा वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मिथेन की बात जहां की हमने

कार्बन कंपाउंड्स अवेलेबल हैं नेचर में दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर अगर हम दूसरे एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड को इकट्ठा कर देना और एक तरफ सिर्फ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो कार्बन कंपाउंड ज्यादा निकलेंगे वाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन ऐसा हमें कार्बन में ही क्यों देखने को मिलता है भाई ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा और किसी एलिमेंट में क्यों नहीं होता है ऐसा वही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंडर द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कम्पाउंड जिस तरह के कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं तो दो फैक्टर है हमारे सामने कार्बन के केस में पहला है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड्स बनाने की विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन यानी अपने ही एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है कार्बन और इस प्रॉपर्टी को बेटा हम बोलते हैं कैटिनेशन तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कैटिनेशन तो कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी इट इज अ यूनिक एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ इट्सल्फ गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स मैंने क्या बोला फिर से सुनोगे कैटिनेशन इज द यूनिक एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ इट्सल्फ गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स दिस इज नोन एज कैटिनेशन अब सेम एलिमेंट है कार्बन और कार्बन तो इसके बहुत सारे जो है हमारे पास मॉलि बॉन्ड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको लॉन्ग चेन्स देखने को मिल जाएंगी है ना तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन सेम एलिमेंट है उसके एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो इस कारण दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन ब्रांच चेन्स भी हमको देखने को मिलेंगी इवन कार्बन एटम्स अरेन्ज इन द रिंग्स ठीक है इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय इसके अलावा ये सिंगल बॉन्ड से भी लिंक्ड होते हैं डबल से भी लिंक्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक्ड होते हैं तो इससे क्या हमें पता चलता है कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड कम्पाउंडस बोलते हैं और जिन कम्पाउंड में कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्लियर ना नो अदर एनिमल सॉरी नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ठीक है भाई इस कार्बन को छोड़ के और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी कैटिनेशन की देखने को मिलती है हाँ सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन बनाता है कम्पाउंडस हाइड्रोजन के साथ इसकी चेन्स भी होती हैं अप टू सेवन और एट एटम्स लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसके जो बने हुए कंपाउंडस होते हैं ना सिलिकॉन और हाइड्रोजन के दे आर वेरी रिएक्टिव स्टेबल नहीं होते द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग हेन्स इट इज स्टेबल स्ट्रांग क्यों होता है अभी नीचे हम पढ़ेंगे इसका साइज छोटा होता है और कार्बन का अटोमिक नंबर सिक्स है ना तो इसका कम अटोमिक नंबर होने के कारण जो इसका न्यूक्लियस है इसके जो शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको होल्ड करके रखता है स्ट्रांगली दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू कैटिनेशन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर ओके okay? तो यहां पर सेम कार्बन एटम्स की बात की है हमने कैटिनेशन में ये ध्यान में रखना है आपने सेकेंडली हम जो इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ फोर कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई फोर एटॉमिक नंबर सिक्स है तो टू फोर करके लिखेंगे तो ये वैलेंसी है कार्बन की इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट कंपाउंडस ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन और भी ज्यादा कई एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड बनाते हैं कार्बन के साथ दे विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल अब यहां पर हम बात करेंगे टेट्रा वेलेंसी की जैसे ये कार्बन है तो कार्बन क्या करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो अपनी वेलेंसी की फोर है तो इसको हम बोलेंगे यहां पर एक नाम देंगे हम इसको क्या नाम देंगे टेट्रावेलेंट तो आपने दो प्रॉपर्टीज कौन सी शो करनी है जिसके कारण वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन है फर्स्ट आपने कैटिनेशन को एक्सप्लेन करना है देन टेट्रावेलेंट कार्बन नेचर को आपने एक्सप्लेन करना है इन दोनों वजह से जो कार्बन का नेचर है वो वर्साटाइल है बहुत सारी स्किल्स हैं इसके अंदर Uh, इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल वन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कीजिए फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड्स क्यों होते हैं कार्बन में बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज पहले भी बता चुकी हूं मैं दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली न्यूक्लियस जो है होल्ड करके रखता है और जो बॉन्ड बनते हैं एलिमेंट से विंग बिगर एटम्स यानी कार्बन के अलावा अगर हम बड़े एलिमेंट्स की बात करते हैं फॉस्फोरस की बात करते हैं हम सिलिकॉन की बात करते हैं सल्फर की बात करते हैं बड़े बड़े एटम्स है ना तो वो उनकी बॉन्डिंग जो होती है वीकर होती है क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है उनका न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता वेअर इज इन केस ऑफ कार्बन एटोमिक साइज इज स्मॉल एंड हेन्स न्यूक्लियस इज एबल टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं कार्बन के अंदर जिनका हमने अभी जिक्र किया टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन टेट्रावेलेंसी इसकी वेलेंसी फोर है और कैटिनेशन इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने ही एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन की फॉर्म में और लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है नौ अगर हम इन दोनों नौ को एक साथ रख दें तो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे मेनी द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स नाउ नीस कंपाउंड्स वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटांसेस इनिशियली का मतलब है कि सबसे पहले जब हमारे पास ये कार्बन कम्पाउंड आए तो हमारे पास कहाँ से आए नेचुरल सब्स्टांसेस से आए कैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि लिविंग सिस्टम में कार्बन को प्लांट्स जो है ना वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में से जो कार्बन को यूज करते हैं वो और फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एज अ फूड कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है दैट इज इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वोलर जिसने डिस कर दिया इस चीज को इन 1828 कैसे उसने यूरिया बना दिया ठीक है अब ये यूरिया नेचुरल तो था नहीं किससे बनाया यूरिया अमोनियम साइनेट से बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके हम इनकी स्टडी भी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट इज 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यहां हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो बेटा इसमें देखो वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पहले भी बात की थी हमने मीथेन के स्ट्रक्चर की अनदर कंपाउंड फॉर्मड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन ठीक है मीथेन की हमने पहले बात कर ली ठीक है अब हमारे पास आया इथेन इथेन का हम कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हमने इथेन में दो कार्बन एटम ले लिए ठीक है और हमारी जो हाइड्रोजन है वो सिक्स हो गई ठीक है तो यहां पर हम एक फार्मूला बना लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा सी एन एच टू एन प्लस टू इस फॉर्मूले से हम एन सफिक्स लगाकर ठीक है सफिक्स क्या होता है वर्ड के लास्ट में लगता है ठीक है जैसे मीथेन है ना उसमें वन कार्बन एटम है इथेन में टू है ऐसे ही प्रोपेन आएगा आगे सी थ्री तो प्रोपेन में एच कितने होंगे आपके एट क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू दे दिया इनको इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कैसा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड इसलिए हम इनको बोलते हैं सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ओके तो अब मैं इसको रीड करती हूं पैराग्राफ को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विदार्मला ऑफ सी टू एच सिक्स जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कम्पाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टूगेदर सिंगल बॉन्ड ठीक है एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वेलेंसीज ऑफ कार्बन जैसे यहां पर हमने सिंगल कार्बन कार्बन लिख लिया अब जितनी रिमेनिंग वैलेंसी आपको बताया टेट्रा वेलेंट है ये तो हमने इसकी रिमेनिंग जो वैलेंसी थी वहां पर हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड कर दिया ठीक है कार्बन जो है वो सेटिस्फाई हो गया अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया सी टू एच वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसको हम बोलेंगे सी टू एच सिक्स यानी कि ये है आपका इथेन तो इस तरह से हम ये बना लेते हैं कार्बन कंपाउंड्स नो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर फोर पॉइंट सिक्स देखिए इथेन जो है अब दोनों कार्बन एटम लिखेंगे हम उसके फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे जो हमने हाइड्रोजन एटम्स लगाए हैं वो लिखेंगे हाइड्रोजन के एटम्स वन होता है तो वन लिखेंगे यहाँ पे देखिए किस तरह से कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हुआ ठीक है अपनी को सेटिस्फाई कर रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और हाइड्रोजन भी इसी तरीके से कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है इसका जो के शेल है वहां पर टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन अब जैसे मैंने बताया ना हम जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे ठीक है इस फॉर्मूले के हिसाब से सी एन एस टू एन प्लस टू तो हमारे पास डिफरेंट कार्बन कंपाउंड आते जाएंगे जैसे ये हमारे पास क्या था मीथेन हमने एक कार्बन नंबर बढ़ा दिया और हाइड्रोजन को इस फॉर्मूले से लिखा हमने क्योंकि सेटिस्फाई होना है दोनों कार्बन एटम्स ने देखिए इसकी जो वैलेंसी बचती है वहां हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड करना है हमने तो किस तरह से बढ़ते जाते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन है ना C4 कर देंगे हम तो H10 आ जाएंगे ये हमारा ब्यूटेन बन जाएगा तो इस तरह से C5 कर देंगे पेंटेन बन जाएगा तो आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्ड जब होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं और एम्स की फैमिली है सिंगल बॉन्ड ही इसमें आता है डबल और ट्रिपल नहीं आएगा तो इस तरह से आप ब्रांच स्ट्रक्चर चेन का सिंगल बॉन्ड की हेल्प से बना सकते हो लॉन्ग चेन्स भी बना सकते हो ठीक तो कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं विच हैज मोलिक्यूलर फॉर्मुला सी थ्री एच एट इन अर मैनर नो यू विल सी दैट द द ऑफ ऑल दैलेंसीटम्स आर सेटिस्फाइड बाई सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन दम सच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड तो वट इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन दम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नो नेक्स्ट इज डीज कम्पाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव ठीक है ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं सेटिसफाइड होते हैं हावर अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज द फॉर्मूला ऑफ सी टू एच फोर एंड कॉल्ड इथीन अगर हम एक और कम्पाउंड की बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के तो उसका फॉर्मूला है सी टू एच फोर यानी इथीन अब यहाँ हम इथीन की बात कर रहे है ठीक है तो इथिन में ई e एनिफिक्स -E आया आपका ठीक है इसका फॉर्मूला है सी टू एच फोर कि इस तरह से हम लिखेंगे सी टू एच फोर लेकिन वेलेंसी तो वन टू थ्री सेटिस्फाइड नहीं हो रही यहां पर भी वन टू थ्री सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन में तो अब कंप्लीट हो गई वन टू थ्री फोर टेट्रा वेलेंसी कार्बन की यहां पर अब सेटिस्फाइड हो गई है ना तो डबल बॉन्ड आया ना इसमें तो इथिन में डबल बॉन्ड आया तो इसलिए ये क्या हो गया अनसेचुरेटेड ठीक है तो ये डिफरेंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेच्यूरेटेड कंपाउंड के बीच में इसी तरह से हम अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो वहां पे इथाइन बन जाएगा और वो भी अनसेच्यूरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा ठीक है तो यहां पर देखिए हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच यहां पर करके बताया स्टेप वन में कार्बन कार्बन देन इसको सेटिस्फाई किया स्टेप टू में वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो डबल बॉन्ड लगाया हमने स्टेप थ्री में नाउ कार्बन कार्बन आइटम्स लिंक टूगेदर सिंगल बॉन्ड वी सी दैट वन वेलेंसी पर कार्बन आइटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने डबल बॉन्ड लगाया टू कार्बन के बीच में अब यहां पर देखिए द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथिन इज गिवन इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए टू इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सी एन एच टू एन ठीक है C यानी हमारे पास टू है तो H कितना होगा टू एन यानी टू टू 4 फोर फोर ओके तो कितना आ गया देखो C2 है हमारे पास फोर हाइड्रोजन है ठीक है तो ये हमारे पास आ गया इथीन डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में ठीक है तो इस हिसाब से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसको हम बोलेंगे इथाइन ठीक है और इथाइन में हमारे पास सफिक्स आ जाएगा वाई ये भी अनसेच्यूरेटेड कंपाउंड्स हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा आपका अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आएगा और जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा सी एन एच टू एन माइनस टू ठीक है यानी कि अगर C हमारे पास यहां पर टू है तो H कितने हो जाएंगे टू टू ज फोर फोर माइनस टू टू सी टू एच टू हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास किसका इथाइन का तो इस तरह से हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्कि

दिस वन और एलकेन का क्या था पीछे मैंने बताया था सी एन एस टू एन प्लस टू अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स ओके नौ मोर रिएक्टिव कौन से होंगे बेटा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सेचुरेटेड यानी ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड आएंगे दे आर मोर रिएक्टिव देन सिंगल बॉन्ड ओके सेच्यटेड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अनसेचुरेटेड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेन्स ब्रांचेस एंड एंड रिंग्स इन अर्लियर सेक्शन वी द कार्बन प्रोपेन है ना अब यहां पर चेन्स बन रही थी सिंगल बॉन्ड था कार्बन एटम्स की द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिक्स ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल फोर पॉइंट टू यहां पर पूरा आपको इस टेबल में ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं क्लियरली मैंशन किया हुआ है इधर ठीक है मिथेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इथेन का प्रोपेन का ब्यूटेन का पेंटेन का हेक्सेन का फिर से फॉर्मूला लिख दे रही हूं मैं इसका सी एन एच टू एन प्लस टू ओके और सिंगल बॉन्ड होता है इनमें ठीक है लास्ट में इनके एन ही आता है क्लियर अब यहां देखिए बेटा हम पढ़ेंगे लेटेस्ट टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन ब्यूटेन की बात करें इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद फोर कार्बन एटम्स वी सी दैट टू डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर ब्यूटेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है सी फोर एच की अगर हम बात करें तो यहां पर टेन uh, आ जाएगा ब्यूटेन में है ना क्योंकि फार्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है एंड हमारे पास फोर है तो एच हमारे पास कितने आ जाएंगे टेन ओके okay, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लॉन्ग चेन की फॉर्म में और इस तरह से भी लिख सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच फॉर्म और इसको हम बोलते हैं सिंपल लॉन्ग चेन तो जो हमारी वैलेंसी है ना कार्बन की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ये ध्यान रखोगे आप वी सी दैट बोथ दी स्ट्रक्चर है सेम फॉर्मूला दोनों के सेम फॉर्मूला है सी फोर एस टेन लेकिन आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनके तो हम इनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या बोलेंगे बेटा हम इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये कई बार आपको बनाने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में तो कुछ नहीं करना है आपने ब्यूटेन का फॉर्मूला तो यही रहने वाला है बदले, बदलेगा नहीं अगर एक आप लॉन्ग चेन में लिख दोगे इस तरीके से ब्यूटेन को और ब्रांच फॉर्म में लिखोगे तो यहां पर क्या किया हमने वन टू सेकेंड कार्बन के बाद ये वाला कार्बन उठा के हमने ऐसे ब्रांच की फॉर्म में लिख दिया इसको नीचे वाली ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया इस कार्बन में हमने थ्री हाइड्रोजन्स लगा दिए क्योंकि एक तो कार्बन के साथ अटैच्ड है कार्बन एटम इस तरह से और इस कार्बन के साथ भी हमने थ्री हाइड्रोजन एटम लगा दिए एक यहां पर बॉन्डेड है तो टेट्रावेलेंट वेलेंसी भी इसकी सेटिस्फाइड हो रही है केमिकल फॉर्मूला भी इसका वही रह रहा है मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा है तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल आप ब्यूटीन का दे सकते हो इसी तरह से आप प्रोपेन का भी दे सकते हो पेंटेन का भी दे सकते हो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन सम हैव कार्बन एटम्स इन फॉर्म इन अ रिंग कुछ ऐसे कंपाउंड है जहां पर हमें रिंग की फॉर्म में कार्बन कंपाउंड मिलते हैं जैसे कि साइक्लोहैक्सीन इसका फॉर्मूला क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ठीक है तो यहां पर सी सिक्स एच ट्वेल्व की जब हम बात करेंगे तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइक्लिक मैनर में कार्बन कंपाउंड्स जो हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है सेम बॉन्डिंग बना रहे हैं सेम एटम से यहां पर इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ, कुछ इस तरह से आ जाएगा है ना क्योंकि हमने हेग्जेन बोला है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्जेन कार्बन स्केलेटन कंप्लीट मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा साइक्लोहेक्जेन का इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ठीक है हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्जेन नेक्स्ट इज कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेगेन स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन एंड साइक्ली कार्बन कम्पाउंड ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसेच्यूरेटेड ठीक है अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड्स आएंगे अनसेच्यूरेटेड है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स में देखिये कार्बन आइटम सिक्स है हमने लिख लिए अब हाइड्रोजन यहां पर सिक्स है यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है क्यों है बेटा आप सोचोगे क्यों है क्योंकि हमने हमेशा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ठीक है अगर ऐसा नहीं करेंगे ना हम तो हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी है सेटिस्फाई नहीं होगी और ये अनस्टेबल हो जाएगा जो कि गलत कंपाउंड बन जाएगा तो बेंजीन हमें एरोमेटिक कंपाउंड है रिंग की फॉर्म में होता है ठीक है इसको हम एल्केन एल्काइन और एल्कीन नहीं कहते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि ये कोई भी जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता ठीक है सी सिक्स एस सिक्स हमारा एल्केन भी नहीं है एल्कीन भी नहीं है एल्काइन भी नहीं है ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन इनको जो कार्बन कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं अमंग द दैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन्स और अनसेच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड वालों को एल्कींस और ट्रिपल बॉन्ड्स वालों को हम बोलते हैं एल्काइन्स ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूं विल यू बी माई फ्रेंड कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट सबको पता है सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑनली बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट सच एस हाइलोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के साथ भी करता है एक हाइड्रोकार्बन चेन में वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स ठीक है हाइलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जो है वो हाइड्रोकार्बन की चेन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं तो सच दैट द वेलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन जो एलिमेंट चाहे वो हेलोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर है कोई और एलिमेंट है, है अगर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं हिट्रो एटम तो यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है वट इज हिट्रो एटम हिट्रो एटम क्या है हिट्रो एटम वो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ओके द एटम विच रिप्लेसिज द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्लेसेस द हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन चेन इज नोन एज हिट्रो एटम कैसे अब मैं यहां पर आपको बताती हूं जैसे ये कार्बन बॉन्ड है ठीक है यहां पर एच लगा हुआ है इसको रिप्लेस कर कर यहां पर ओ OH आ जाता है ठीक है तो ये ऑक्सीजन क्या है ये फंक्शनल ग्रुप है ना ओ एच एल्कोहल का तो ये हिट्रो एटम है अलग से आ गया मान लो इसकी जगह चलो हमने एच की जगह यहां पे क्लोरीन लगा दिया ठीक है तो यहां पर रिप्लेस किया क्लोरीन ने हाइड्रोजन को तो क्लोरीन क्या होगा क्लोरीन हिट्रो एटम होगा ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है कि व्हाट इज हिट्रो एटम नेक्स्ट इज इन सच कम्पाउंड द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हिट्रो एटम मैंने बता दिया ऐसे कम्पाउंड में जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एलिमेंट उसको हिट्रो एटम बोलेंगे दीज हिट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम समुप्स एज गिवन इन टेबल फोर पॉइंट थ्री कुछ ग्रुप्स में भी ये प्रेजेंट होता है हिट्रो एटम जैसे फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का है एलडीहाइड का है किटोन का है कार्बोसिलिक एसिड का है तो ये इनको भी हम हिट्रो एटम ही कहेंगे दीज हिट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेन्स दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है इनकी कंपाउंड की ठीक है एंड दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स तो यहां से फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो जाती है uh, क्या आप लिखोगे की द हिट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन और ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपको मिल गए हैं फ्री वेलेंसी और वेलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन ठीक है द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वेलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ और एटम्स यहाँ पर जो भी कार्बन की चेन होगी तो वहां पर जो हाइड्रोजन लगे होंगे उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप लगेंगे ये आपने समझना है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है भाई आप बहुत खुशकिस्मत हो आपका जो सिलेबस है वो कोरोना के कारण डिलीट हो गया इस साल भी तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का होमोलोगस सीरीज तो आइए इसमें देखो क्या करना है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज पहला आपका ये क्वेश्चन बन जाता है ठीक है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज तो इस क्वेश्चन को आप कैसे डिफाइन करोगे पहले तो हम समझ लेते हैं कार्बन एटम्स आपको मालूम है कि लिंक लॉन्ग चेन्स बनाते हैं बहुत वेरिंग लेंथ्स हैं दीज चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर सकता है दैट वी सॉ अब ऊपर देखा हमने द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल डिसाइड अगर हम एक अल्कोहल की बात करते हैं कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये डिसाइड करेगा उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को ठीक है मान लो हमने अल्कोहल लगा दिया है ना तो जैसे ये है हमारे पास ठीक है मिथाइल अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल है देन इसको बोलते हैं हम मिथेनॉल दिस इज नोन एज इथेनॉल प्रोपेनॉल है ना तो ब्यूटेनॉल तो इस तरह से ओ OH एच ग्रुप अगर हम लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप तो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही सारी चेंज हो जाती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इनकी सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम होगी एक चेन में सेम होगी क्योंकि ये चेन सेम है मीथेन की इथेन की है ना प्रोपेन की ब्यूटेन की इनमें हमने ओ OH ग्रुप डाला है तो इन सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी हेंस सच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके इन अ कार्बन चेन तो इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज आप बेस्ट एग्जाम्पल ये दे सकते हो इसमें

सेवन है तो इधर नाइन हो गया यानी टू प्लस होते गए तो सी एच टू का डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज में तो ये डेफिनेशन कंप्लीट बन गई आपकी होमोलोग सीरीज की कि सेम कार्बन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और उनमें डिफरेंस कितना होता है सी एच टू यूनिट का ठीक है सक्सेसिव कंपाउंड्स में डिफरेंट सी एच टू यूनिट्स का होगा ये होमोलोग सीरीज की डेफिनेशन हो गई दो पॉइंट आपने पेपर में लिख देने हैं ना वट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन अगेन सी एच टू कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मासज बिटवीन दीज पेयर जैसे अटोमिक मास कार्बन का ट्वेल्व म्यू है अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वन म्यू है सिमिलरली टेक द होमोलोग सीरीज ऑफ की ले लो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन है ना इथीन है पहला मेंबर विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1 में बात की थी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथिन इथिन का फॉर्मूला क्या है C2 लेंगे हम और H4 लेंगे है ना द सक्सीडिंग क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा सी एन एच टू एन होता है इथिन का देन द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच एट सी फाइव एच टेन डू दीज ऑल्सो डिफर बाय सी एच टू क्या ये भी सी एच टू यूनिट से डिफर करते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे थ्री है यहाँ फोर हो रहा है बिल्कुल सही एक C का डिफरेंस है यहाँ सिक्स है यहाँ एट हो रहा है तो H2 का डिफरेंस है तो बिल्कुल सही बात है होमोलोगस सीरीज में हमेशा ही सीरीज डिफर करती है सी एच टू यूनिट से ये चीज समझना बहुत जरूरी है होमोलोगस सीरीज में Now, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन atoms इन these compounds? बिल्कुल द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्की कैन बी रिटन है मैंने आपको दे दिया सी एन एच टू एंड एल्किन के लिए एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर एल्किस एंड एलकाइन्स मैंने बताया था एल्किस का क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू और एल्काइंस का क्या होगा सी एन एच टू एन माइनस टू ओके एज द मोलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोग ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन ओके दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट इंक्रीज़ विद इंक्रीजिंग इन मोलिक्यूलर मास जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग प्वाइंट भी कंपाउंड का इंक्रीज होगा चेंज होगा अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोलबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सोलवेंट ऑल्सो शो अ सीमिलर ग्रेडेशन बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमियन सिमिलर इन होमोलोग आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यही हमारा इस साल 2022 के सेशन में रहेगा कार्बन एंड कम्पाउंड टेंथ क्लास के लिए इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड है वो हमें नहीं पढ़ना है तो बेटा ये हमारा चैप्टर डिटेल में मैंने बता दिया है वीडियो को बार बार सुनिए लाइन वाइज मैंने एक्सप्लेनेशन आपको फुल डिटेल में दी है आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा समझा भी होगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स